ये मेरा जिम का बैग है और इसमें कुछ खास नहीं, बस एक्सरसाइज में काम आने वाले रिस्ट बैंड्स वगैरह हैं। वो इस जिम बैग में मैं अपने साथ BCAA ज़रूर ले जाता हूँ, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, तो वो ड्यूरिंग वर्कआउट मैं पीता रहता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज चुके हैं 11:30। मैं निकल चुका हूँ अपने इंस्टीट्यूट के लिए, हमेशा की तरह 5 मिनट लेट। कल के काम काफ़ी पेंडिंग हो गए मेरे ऊपर। कल जो आग लगी थी वॉशिंग मशीन में, IFB कॉल करना पड़ेगा। मेरी 11:30 से 1:30 क्लास है, 1:30 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर 3 बजे से क्लास है। 1:30 से पहले पहले मुझे IFB सेंटर कॉल करनी पड़ेगी। समझ नहीं आया कि आग कैसे लगी, क्या हुआ, धुआं ही धुआं था उसमें, वो आपने कल की वीडियो में देखा ही होगा। बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतनी अच्छी ब्रांडेड मशीन्स में कैसे ऐसे हो गया। हालांकि वो मशीन बहुत ही रिलायबल है, सच कहें तो 5-6 साल से हम उसे लगातार यूज़ कर रहे हैं। आजकल मेरे जगह जगह खूब सारे डेमो और क्लासेस चल रहे हैं, कहीं कोचिंग्स में, कहीं स्कूल्स में, क्योंकि अभी अभी मैंने कुछ ही दिन पहले जिस स्कूल में काम कर रहा था वहाँ पे रिज़ाइन करा, तो पब्लिक को मालूम चल गया शायद दानिश सर कुछ घंटे के लिए फ्री हो जाएंगे। जगह जगह से जो भी ऑफर्स थे उन्होंने कहा डेमो कर दीजिए या क्लासेस या जो भी है वो सब चल रहा है। तो कई बार मैं अलग अलग स्कूल्स में चला जाता हूँ या कोचिंग्स में अलग अलग जगह, क्योंकि मैं कुछ घंटे के लिए दिन में फ्री हुआ हूँ। वैसे मेरा अपना इंस्टीट्यूट चलता है जहाँ मेरी क्लासेस काफ़ी लंबी लगी रहती हैं, बट वही है कि जितना काम कर लें अच्छा है। रिटायरमेंट के बाद तो सब आराम ही करते हैं, तो ठीक है जब तक बॉडी हमारी साथ दे रही है और हम मेहनत कर सकते हैं तो काम कर लें। बट इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं ओवरबर्डन ना हूँ। पहले मैं बहुत ओवरबर्डन था, मतलब ऐसे मान लो कि 16-17 घंटे तक मेरी क्लासेस होती थी। धूप निकली हुई है और उधर आपको आसमान में दिख रहा होगा एकदम काले बादल छाए हुए हैं, मतलब वो काले बादल अब इस तरफ आने वाले हैं और इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि बारिश हो। तो अब मैं निकल गया हूँ इंस्टीट्यूट से, दोपहर के बज रहे हैं 1:55। 1:30 बजे तक मेरी क्लास थी, नॉर्मल क्लास चलाई, और अब अगली क्लास मेरी 3 बजे से है, तो मैं घर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। 2 तो लगभग बज ही गए और पहुँचने में भी 10-15 मिनट लगेंगे। 15-20 मिनट में खाना खाऊँगा और फिर उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट के लिए निकल जाऊँगा। और बाकी 3 बजे से लेके आज मेरी क्लासेस काफ़ी कम है, सिर्फ 6:30 बजे तक मेरी लगभग क्लास है, 6:30-7:45 मान लो। और अब मैं निकल चुका हूँ घर से इंस्टीट्यूट के लिए, 2:50 हो रहे हैं और 3 बजे से मेरी क्लास है जैसे मैंने बताया ही था। और पीछे आपको दो बड़े बड़े झोले, बैग, गठरियाँ रखी दिखेंगी, क्योंकि मुझे ये कपड़े प्रेस के लिए देने हैं, तो एक दो मिनट वहाँ भी लगेंगे। मैंने बताया ही है कोचिंग के पास प्रेस वाला है, तो वहीं दे देते हैं हम प्रेस के लिए कपड़े। और अब मैं निकल चुका हूँ घर के लिए इंस्टीट्यूट से, 7:00 बज रहे हैं। आज घर जल्दी जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, गोलू के साथ थोड़ा बहुत खेलना है। अब बहुत दिन हो गए एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आज एक्सरसाइज के लिए जाऊँगा जिम। अवध की ढलती हुई शाम का मनमोहक नज़ारा, शाम को हमेशा मौसम अच्छा हो जाता है और स्पेशली जब मानसून चल रहा हो तो मौसम बहुत ही बढ़िया रहता है। और ये मैं घर आ चुका हूँ और फरियादी खड़े हैं कि कोई हमें बिस्कुट खिला दे, कोई हमें नमकीन खिला दे। फाड़ो भाई फाड़ो दुआ। और ये किसने किया चूरम चूरम? मैंने नहीं करा, ऐसे ही निकला ये। लो भाई नमकीन पे डांस, लो चने खाती हो तुम तो। हाँ मैं अभी सो के उठा हूँ, जब घर आया था तो सो गया था मैं 1 घंटे के लिए, पता नहीं क्या क्यों थक गया था इतना ज़्यादा, आज इतना ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं था। तो 1-1.5 घंटे सोने के बाद अभी रात के बजे हैं 9:15 और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिम निकल जाता हूँ। बहुत दिनों से मैं जिम नहीं गया हूँ,
तो इसको भी रेगुलर करना होगा। तो जैसे ये मेरा शेकर है, इसमें मैं प्रोटीन या BCAA ले लेता हूँ। तो ये मेरा BCAA, अभी रिसेंटली मैं मसल ब्लेज का BCAA ले आया था, और इसमें कुछ ऐसा ख़ास तो नहीं है, बस ये है कि आसानी से ऑफलाइन मिल गया था और ओरिजिनल है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में सप्लीमेंट्स की दुनिया में ओरिजिनल मिलना इंडिया में ये भी एक बड़ी बात ही है। BCAA हमेशा इंट्रा वर्कआउट लिया जाता है, जो मसल्स आप तोड़ते हैं उनको ये रीजनरेट भी करता है, और इसमें इसका थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें, और मेरे जिम बैग में कुछ नहीं होता खास, बस 40-45 मिनट का हैवी वर्कआउट करता हूँ। जिम में हमेशा बाइक से ही जाता हूँ। क्या बनाया आज? लेग पीस। हैं? लेग पीसेस बने हैं आज। किसका लेग पीस बनाया आज? कुकुरू 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 का लेग पीस बनाया। ये गोलू ने? आज आप ये देखना क्या करा है ये गोलू ने? आज गोलू ने ज़्यादा गलत मचाई। आज इसका मैंने फैला ना? पूरा यहाँ से वहाँ तक इसने फैला रखा है। और यहाँ भी सब फैला रखा है। चलो यार दिखाओ क्या बना है यार, भूख लग रही बहुत ज्यादा तेज। मुझे तो आपसे ज्यादा लग रही है, 1 घंटा तो हो गया आपको ये बोलते बोलते हो गया कि दानिश खाना खा लेंगे। थक गया था मैं जरा। अभी तो गोलू का भी नजारा है यहां दिखेगा। हां गोलू का नजारा ये देखिए ना। ये बैटरी कहां से आई? ये गोलू लाई, ये गोलू ने फेंके टिफिन, ये गोलू ने फेंका डिब्बा। सैलेड बनाएंगे दानिश, हम देखो जरा इसकी शक्ल कैसी हुई चिकन की। ज्यादा हम ऑयली नहीं बनाते ना। सही है, सही है ना? पता चलेगा वो तो जब वैसे होगा ना। हाँ मतलब ठीक है, बस ज्यादा ऑयली नहीं है। ठीक है, सैलेड बना लूँ, थोड़े प्याज व्याज काट लूँ। हाँ और नींबू भी चाहिए होगा मुझे। हाँ हाँ आराम से। जुआ हम ना खाने के चीजें लेके जाएंगे घर से। हाँ यार बड़ी कड़की हो जाती है रास्ते भर। हाँ यहाँ से तो लेके जाएंगे, लखनऊ रूट तो बहुत ही मतलब वहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने का, रास्ते में समोसे ढूंढ लो बस। शिवा मुझे मुझे जी। मुझे सैलेड बनाना सिखा दो। अरे जो आपको सिखा रहे हैं पहले वो बना लीजिए, आप चाहे तो बनाते नहीं हो। पहले प्याज काटी जाती है? हाँ, हमें नहीं पता कैसे काटते हैं प्याज। नहीं मैं आपको अपना माथा भी दिखाओ तो दिखाओ तो आपको चाय आती है ना बनानी? नहीं वो भी नहीं आती, एक बार सिखाओ। ये प्याज काटना सिखाओ, कैसे काटते हैं प्याज बताओ ना शिवा। आप देखिए ना बताना क्या है। नहीं तो बताओ इसमें कैसे लेयर, ये क्या काट रहे हो तुम बताओ शिवा, बताओ ना। मैं नहीं बता रही, मुझे इरिटेट मत करो। नहीं इरिटेट की बात ही नहीं, तुम इंसान को सिखाओ तो। वो तो मुझे पता है तुम नहीं हो रही, हटो। हाँ। थोड़ा व्यू तो आने दो। हाँ अब बताओ कैसे काटते हैं शिवा, देख लीजिए कैसे काटते। हाँ प्याज मतलब तुमने ये क्या करा सबसे पहले बताना। प्याज के छिलके उतार दी। क्या किया? प्याज के छिलके कहाँ थे? वो तो प्याज के कपड़े थे, जैसे ये वाली प्याज है। चलो इसके कपड़े उतार दिए। हाँ कैसे उतार? उल्टी तरफ से उतारते, इस तरफ से नहीं उतारते पीछे से। दिमाग मत खाइए मेरा। और ऐसे अब तुम इसे ऐसे क्यों नहीं काट रही हो सीधे? आपको क्या है गोल गोल वाले ज्यादा? नहीं तुम्हें आता ही नहीं काटना आप कल। शिवा तुम्हें काटना ही नहीं आता है? कल काट के नहीं मैं तुम सीखो YouTube से। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जरा। हाँ इनको ना ज्यादा क्रंची और ज्यादा जूसी बनाना अगर प्याज को ना। हाँ तो शहद में डुबो देते? नहीं ठंडे पानी में भिगो के रख दो इनको 1 घंटे के लिए। अच्छा और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, और मैं आज भूल गई यार इसमें नमक लगा दो। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो हमारा माइंड थोड़ा आउट हो रहा था। हमारी खुद तबीयत गड़बड़ हो रही थी यार, तो इसलिए थोड़ा सा ना हो रहा था। इसमें आज नमक लगा दो आज, बहुत दिनों बाद नहीं लगेगा। नहीं तो कुछ मैगी मसाला लगा दो, कुछ हल्का सा चाट मसाला डाल दूंगी बस। हाँ मतलब अगर डाला तो, हालांकि वो भी नहीं डालना। कोई चॉकलेट का पैकेट नहीं पड़ा खुला हुआ? बहुत सारे खुला हुआ, सब खुले हुए हैं, मैंने सबको खोल रखे हैं। ये तो बंद है सब्जी वाले डिब्बे में भी रखे हैं।
सब बंद नहीं लग रहा है मुझे। छोड़ो फिर रहने दो। रुको रुको रुको, मैं देती हूँ ना दानिश। बहुत रखा था, डांस शुरू हो गया तुमके। फेंक देगी। लेकिन यार ये जो तुमने सैलेड बनाई है इसमें टमाटर तो है ही नहीं। यार चिकन के साथ टमाटर कौन खाता है? अब काट दूं आपको चाहिए? नहीं चलो छोड़ो फिर। आपको मैं सिखा रही हूं कॉम्बिनेशन से कैसे खाया जाता है। सीख रहा हूं। अब विदाउट कॉम्बिनेशन खाते हैं। हां सीख रहा हूं। ठीक है अब इसको इसके ऊपर रख लीजिए और अब सीख खाना सीखूंगा मैं। और ठीक है अब हम पूरा कुकर लेके आ रहे हैं। गोलू को देखो अपने रूम से आ गए। ये हमारा खाना आ चुका है। बहुत ही लजीज खाना बनाया है शिवा ने। गोलू को उसका लेग पीस देके बैठा दिया है। तोता है क्या? दिखाओ। दानिश आप आ जाइए डॉगी का खाना लेके। अच्छा फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ पापा लेके जा रहे डॉगी का खाना। ठीक है आप नहीं आओ। देखो 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 चार पहले हमसे आगे बढ़ गए। पापा की गोदी में आओ बेटा। पापा की गोदी तुम्हारी ऐसी कैसी? हाँ गोदी में जाओ बेटा फिर तुम काबू में आते नहीं हो। यार पता दानिश बड़ा। अरे भाई वाइटी चलो बाहर चलो। वाइटी बाहर चलो चलो। रूबी बाहर। आप दे पाएंगे दानिश गोलू को गोद में लेके? सबको बहुत ज्यादा इनको प्रैक्टिस हो। वाइटी खा लिया इसने? नहीं उसका खा लिया। लो दूसरा। बाय बोल दो डॉगीज़ को। बाय बोल दो इधर। बाय 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 बाय। वाइटी बाहर जाइए। बाय बाय। अरे वाह अरे वाह। वाओ कहाँ जा रहे हैं आप? ये दिखाइए पहन के। शर्ट टी शर्ट आप पहनिए इसको तब बताएंगे क्यों मंगवाई। बर्थडे गिफ्ट होगा मेरे। अरे हाँ बर्थडे गिफ्ट। बच्चों के मने हैं बर्थडे? कितने की आई है आपको इससे क्या मतलब? बर्थडे मैं तो नहीं पहन, मैं नहीं पहन। अच्छा 100 रुपए की आई? मैं पहन नहीं। अच्छा 200 की आई? अच्छा 300 की आई? 400 की आई? 500 की आई? 600 की आई? 700 की आई? थप्पड़ खाओगे दानिश अभी? अरे दानिश मुझे सच में याद नहीं जब आप दुबई गए थे उस वक्त की आई हुई है या अभी नहीं आई। अरे दानिश वो तो कुछ है। दानिश पहन के दिखा दीजिए जल्दी। अरे दानिश बस अब लास्ट टाइम ठीक है? नहीं दिखाना जरा। ओम ये पागल हो। ये मत हटाना यार, ये मत हटाना नहीं तो पता कैसे लगेगी। नहीं है इसके साथ पहनना, टैग नहीं हटाना। पहले मुझे तो दिखाइए, मेरी तरफ तो देखिए पहले आप। ओम फो शीशा खुलते ही हम दिख गए आपको। हमसे कैसे बचोगे?
ओम्फो अच्छी है। अब यार लड़कों की टी शर्ट्स में इतने ऑप्शंस तो होते हैं नहीं। एल लिखा है, एल लिखा है। अच्छा ये एल है, नहीं 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 इसका एक्सेल के बराबर है ये एल। पहले मैंने एक्सेल ही मंगाई थी आपकी सारी, फिर सब एक्सचेंज पे डाली थी, याद नहीं आपको? 300 के आसपास होगी, 399 तो लिखे हैं। हाँ अब जो भी, अब आप आम खाइए आम। तो गाइस रात के बज चुके हैं 2:30 और वक्त हो चला है सोने का। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और कल नए ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। बाय।